हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मोबाइल पर स्कूल में। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग नवंबर से पढ़कर किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में 95+ का टारगेट जो है अचीव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो काफी हटकर होने वाला है। बस आप लोग आज के इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, उसके बाद आपको किस प्रकार से अपनी स्टडी करनी है आपको सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग इस तरीके से पढ़ें, यानी आपके पास जो भी समय बचा हुआ है आपको कौन कौन से तरीके अपनाने हैं, क्या करना है, कुछ मतलब सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर जो हमारा टारगेट होने वाला है, वह जो भी स्टूडेंट मोबाइल पर स्कूल स्टडी यहां से कर रहे हैं यहां पर आपका टारगेट जो है 95+ का होना चाहिए, यह पहली बात है, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात करें टाइम की, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है समय की बात करें तो अगर देखिए यहां पर आपका जो अक्टूबर है वह समझ लीजिए गया। अब आपके पास समय कितना बचा है तो आपका नवंबर में ही ना हो गया और यहां पर आपका दिसंबर और जनवरी, ठीक है। इसके बाद हम यहां पर देखिए फरवरी जो है नहीं लेंगे क्योंकि फरवरी में आपका हो सकता है प्रैक्टिकल हो या आपके प्री बोर्ड एग्जाम हो, मतलब कुल मिलाकर कहें या तो आपके बोर्ड परीक्षाएं भी फरवरी के लास्ट वीक से स्टार्ट हो सकती हैं, तो इसलिए यहां पर कुल मिलाकर आपके पास समय जो है वह 3 मंथ का है, ठीक है। 3 मंथ का आपका नवंबर हो गया, दिसंबर और जनवरी। अब इसमें से आपके पास कितना समय है तो कुल मिलाकर इनमें आपका 90 डेज, लगभग आपके पास 90 दिन का समय बचा है, ठीक है। तो 90 दिनों में आपको किस प्रकार से स्टडी करनी है और आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, इस प्रकार से सारा कुछ आज हम क्लियर करने वाले हैं। बात करें यहां पर देखिए विषयों की, क्योंकि देखिए 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए आपका जो पैटर्न है वह भी चेंज है, तो पैटर्न के अनुसार आपको किस प्रकार से मतलब अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर विषय की बात कर लेते हैं। विषय आपके पास हो गया जैसे कि हिंदी हो गया, ठीक है, आपका क्लास 10th के अंतर्गत हिंदी है, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आपका चित्रकला होगा या आपका कंप्यूटर होगा, ठीक है, या आपका संस्कृत भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहां पर ये रहते हैं। तो कुल मिलाकर आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं तो 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब 6 विषयों में आपको किस प्रकार से कितना टारगेट रखना है एक सब्जेक्ट का वह पहले समझते हैं। देखिए यहां पर आपके जो प्रैक्टिकल के अंक होने वाले हैं वह है आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में देखिए 30-30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो यहां पर आप लोग 30 नंबर से बिल्कुल मतलब यहां तो आपको निश्चिंत रहना है, मतलब यहां पर आपका जो 180 अंक जो बनता है वह आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहां पर 180 में से लगभग आपको 175 के लगभग जो है अंक मिल जाते हैं, ये रही बात प्रैक्टिकल की, अगर आप लोग अच्छा कार्य करते हैं तब, ठीक है, तो आपको 175+ मिलना ही। अब इसके बाद यहां पर जो आपका अभी तक का पैटर्न था वो था आपका 70 नंबर का पेपर आता था, यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर आता था, ठीक है। लेकिन अब जो नया पैटर्न है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं 20 नंबर के। अब 20-20 नंबर आपका यहां पर ऑब्जेक्टिव का हो गया, तो इसकी कैसे स्टडी करेंगे वो सब आगे हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज यहां पर आपका थ्योरी का जो है वह आपका होता है 50-50 नंबर का, यानी इस बार का जो पैटर्न है उसके अनुसार आपका 20 नंबर जो है OMR सीट पर आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और यहां पर 50 नंबर के जो है आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इनका आपका देखिए 20-20, अब आप यहां पर 20-20 नंबर जोड़ कर चले तो 120 नंबर का यह हो जाएगा और 300 नंबर का यह होगा, कुल मिलाकर आपका 600 का पूर्णांक होगा। और 600 में आपके दिमाग में कितने का टारगेट चलना चाहिए वह मैं आपको बताता हूं। यहां पर मान लीजिए आपके पास 180 में से 175 के लगभग अंक मिल गए, ठीक है, ये तो मिलने ही मिलने हैं। इसके बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में आपके दिमाग में कितने चलने चाहिए ये पहले आप नोट कर लीजिए। तो देखिए यहां से आपका माइंडसेट ही बदलना चाहिए क्योंकि जो आप सोच लेंगे वह लगभग संभव हो जाता है अगर आप उसकी कोशिश करते हैं तो, ठीक है। तो 120 नंबर में से आप समझ लीजिए आपको इतना कोशिश करनी है कि 110 नंबर लगभग आपको मिल जाए यहां से, ठीक है। तो 110 नंबर की कोशिश करिए इसमें, अब कैसे करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा, बस अंत तक देखिएगा। अब इसमें आपको यहां पर थ्योरी में बात करें तो 300 नंबर में से आपको लगभग दोस्तों यहां पर 280+ का टारगेट लेकर चलिए, तभी आप लोग अच्छा टारगेट जो है अचीव कर पाएंगे। यह बात हुई आपके अंक विभाजन की, यानी कि इस प्रकार से आपका पेपर का पैटर्न रहेगा और ऐसे आपको पढ़ना है। इसके बाद यहां पर आपका देखिए 90 दिन का समय भी है और 90 दिन में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहां पर कैसे कौन सा सब्जेक्ट मैनेज होगा वह हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे ध्यान देने योग्य बात जो है
वह आपकी है कि सबसे पहले आपको सोशल मीडिया, जी हाँ दोस्तों, जो आपके हाथ में यह मोबाइल फोन है जिससे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो सोशल मीडिया का आपको देखिए उपयोग, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, शॉर्ट वीडियो जो भी आप लोग देखते हैं वह सबसे पहले आप लोग बंद कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मात्र आप लोग 3 महीने के लिए यह सब बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब इसका क्या मतलब है, देखिए आपको मोबाइल फोन का उपयोग करना चाहिए, लेकिन किस लिए करना चाहिए, आप अभी मोनली स्टडी के लिए करिए, उसके बाद आपका जब 3 महीने बाद जब एग्जाम होगा, यानी आपका जब एग्जाम हो जाए तब आप इसे आसानी से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप इन चीज़ों से बिल्कुल, मतलब कि इन्हें आपको नहीं देखना है, ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल हटा दीजिए दिमाग से, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका जब शॉर्ट वीडियो वगैरह जब देखने लगते हैं आप लोग, तो यहाँ पर आपको पता नहीं चलता और कब आपके 2 घंटे 1 घंटे समय जो है बेकार में चला जाता है, तो ये आप लोग बिल्कुल जो है करना बंद कर दीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही जो है आपको काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसके बाद आपको देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखने वाले हैं, क्योंकि ये आपके 20-20 नंबर के होंगे और हर एक सब्जेक्ट के होंगे और पूरी किताब से आने वाले हैं, तो इनके लिए देखिए आपको एक स्पेशल सीरीज लाई जाएगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक स्पेशल सीरीज जो है आने वाली है। जैसे कि आपका यहां पर साइंस का मैराथन चल रहा है, इसी प्रकार से आपको चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वह आपको सीरीज में सॉल्व कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वह स्टार्ट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको हम तैयार करवाएंगे, यह बिल्कुल आप हम पर छोड़ दीजिए, बस आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, यह आपकी गारंटी, ठीक है। चलिए यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं, आपको थ्योरी की तैयारी कैसे करनी है, तो देखिए थ्योरी की बात करें 50-50 नंबर के क्वेश्चन, 50 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा और इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और आपका न्यूमेरिकल जो भी हो गया, जैसे साइंस की बात करें, मैथ की बात करें, तो वहां पर आपके प्रश्न आएंगे, अंकिक प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार से आपको थ्योरी की तैयारी कैसे करनी है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपका हिंदी चल रहा है, ठीक है, आपका हिंदी चल रहा है और आपका इंग्लिश के देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वह चल रहा है, ठीक है, मैथ का भी चल रहा है और साइंस की बात करें तो देखिए साइंस में आपका स्पेशल चैप्टर वाइज, देखिए चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर वाइज एक बार आपका, मतलब एक वीडियो में एक चैप्टर जो है कंप्लीट कराया जाता है और आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है, तो सभी प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की मतलब अलग अलग तरीके से बनाई गई, तो वहां पर आप लोग जाकर देखिए और हर सब्जेक्ट की आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए, सारे के सारे चैप्टर वाइज आपको बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है और फ्री में बिल्कुल नोट्स भी दिया जा रहा है, तो आप लोग वहां पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं नोट्स, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग थ्योरी की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करिए। अब यहां पर आपको बात ये मतलब समझनी है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने समय तक पढ़ना है, ठीक है, ये भी तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आपको सबसे पहले देखिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी सॉल्व करने हैं, यह क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे दोस्तों 30% क्वेश्चन जो है रिवर्स होते हैं, मतलब यहां पर देखिए आपकी बुक है, अब आप लोग मान लीजिए पिछले जो है 5 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, तो पिछले 5 सालों में आपके 30% क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, यह दोस्तों आपका 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि देखिए क्या होता है, हम भी मतलब कई वर्षों से देख रहे हैं जिसमें आपका यह 30% जो है मतलब रिवर्स क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप लोग अगर हर प्रकार के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो यह दोस्तों आपका काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है और आपको यह एक तरीका भी पता चल जाता है, मतलब अनुभव हो जाता है कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और कितने समय में हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आपका अंदाजा जो है बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से हो जाता है, तो आप प्रिपेयर हो जाते हैं एग्जाम के लिए, तो पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करिए और हम भी आपको इन्हें सॉल्व भी कराएंगे, तो अभी थोड़ा सा समय है, उसके मतलब जब एग्जाम के लगभग 2 महीने पहले आपको यह सॉल्व कराना स्टार्ट भी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर आपकी हैंडराइटिंग की, देखिए आपको कुछ भी आता हो यह काफी कम मैटर करता है, अगर आप लोग वहां पर प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे कॉपी में तो आपको अंक नहीं मिलेंगे, तो अगर आप लोग की लिखावट जो काफी अच्छी है और आपको थोड़ा सा नॉलेज भी कम है लेकिन तो आपको देखिए नंबर जो है मिलने के काफी ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि आपका जो कॉपी देखी जाती है तो एग्जामिनर क्या देखते हैं, आपकी लिखावट पहले देखी जाती है, तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि आपकी जो राइटिंग है वह अभी से सुधार आए और लिखने का मतलब कि आपको जो लिखने की टाइमिंग है लिखावट में थोड़े से स्पीड होनी चाहिए, मतलब कि आप 3 घंटे में जो है क्वेश्चन पेपर को
पूरा सॉल्व कर लें। तो आप लोग लिखावट पर विशेष ध्यान दीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए आपको कुछ भी आता है इससे मतलब नहीं होता, आप वहां पर क्या प्रेजेंट कर पाते हैं यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है, आप लिखावट पर विशेष ध्यान दीजिए। अब आपको देखिए प्रत्येक विषय की क्लास जरूर अटेंड करें, मतलब कि देखिए यहां पर आपको डेली जो है क्लास प्रोवाइड कराई जाती है हर एक सब्जेक्ट की। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जो भी आपको मतलब जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए उसे आप अच्छे तरीके से पढ़िए, और आपने कोचिंग पर जहां पर भी स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ाया जाता है उसे अच्छे तरीके से आप लोग रिपेयर जरूर करिए, ठीक है। यहां पर अगला है जो आपका इधर उधर की बातों पर विशेष ध्यान ना दे, मतलब देखिए क्या होता है कई लोग इधर उधर की बातें मतलब कहते हैं कि जैसे कि यहां पर कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है वैसा होता है, मतलब कि आपको इधर उधर की ध्यान नहीं देना, बस आप अपनी स्टडी पर फोकस करिए, ठीक है। तो यहां पर यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी की बातों पर भ्रमित बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। अगला पॉइंट है जो भी पढ़े उसको रिवीजन जरूर कर लीजिए, मतलब देखिए यहां पर आप लोग जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिंदी आपने पढ़ा, लेकिन आप लोग हिंदी को पढ़कर एक दो दिन लगातार पढ़ते उसके बाद छोड़ देते हैं, तो क्या होता है जो आपने पिछला पढ़ा हुआ है बिल्कुल गायब हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर रिवीजन जरूर करते रहिए, रिवीजन करने में कितना समय लगेगा, अगर आपने कोई चीज तैयार करी है एक घंटे में और आपको उसका रिवीजन करना है तो वह दोस्तों 10 मिनट में तैयार हो जाती है, यह दोस्तों मेरा पर्सनल जो है एक्सपीरियंस है। तो आप लोग रिवीजन अच्छे तरीके से करिए, इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल वह प्रिपेयर किया हुआ मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।